इसी के साथ समय हो गया है उस खबर का जो कि आप पर और हम पर करती है सीधी असर, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई खबरें। चलिए डालते हैं जनता से जुड़ी हुई खबर पर एक नजर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान के अगले दो दिनों में भारी तबाही मचाने के आसार नजर आ रहे हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से ये टकराएगा अम्फान तूफान, जिसका नाम अम्फान है वो इतना खतरनाक बताया जा रहा है। देखना ये है कि अगर ये किसी तरह से कमजोर पड़ता है तब राहत की बात हो सकती है। ओडिशा सरकार ने 12 तटीय जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा राहत बल और दमकल विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रोकने की मांग कर रही है। मौसम विभाग ने उड़ीसा बंगाल के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी है। काफी समय पहले ही मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि तटीय क्षेत्र के अलावा कई राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है। अम्फान तूफान का असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये तट से टकराएगा तो तेज हवाएं, तेज बारिश और इसके अलावा लोगों के लिए ये हानिकारक साबित होगा, कई नुकसान होंगे। सरकार का कहना है कि इस वक्त ट्रेनों का रोकना बहुत जरूरी है उस क्षेत्र में, क्योंकि तूफान आएगा और तहस नहस मचा सकता है। लेकिन जब तक तट पे नहीं आता तब तक कितना कहर मचाएगा ये कहना अभी संभव नहीं है।